फीचर्स के साथ, 6 एयरबैग, टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम। कितना तक हो जाएगा? 85% तक ऑन रोड का लोन करा सकते हैं हम लोग। ITR GST सारा कुछ है आपके पास। मोटा मोटी 1.5-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट में गाड़ी में आपको कुछ नहीं है। विदाउट ITR GST के 2.5 लाख रुपए समथिंग जाएगा, 2.5 से 2.5 लाख डाउन उसमें कम आएगा। एक्चुअली क्या है ना, ITR GST में फंडिंग ज़्यादा होता है, बिना ITR GST के फंडिंग कम होता है। लोन उसमें भी होगा, 75% तक ऑन रोड का लोन करा सकते हैं। एक्स शोरूम का 85% तक लोन करा देंगे, रेस्ट अमाउंट आपको डाउन पेमेंट देना। तब GST ITR दे के क्या फ़ायदा है? GST ITR देने से क्या होता है ना कि नहीं आता है, इंजन गार्ड जिस गाड़ी में लगा होता है ना वो नहीं लगाना ही नहीं। देखिए ना, इंजन ठंडा कैसे होगा? फिर नीचे खाली है ना, खाली रहना चाहिए, हवा आएगा तब आपके इंजन को ठंडा करेगा। जब कादों में गिरेगा सारा कीचड़ इंजन नहीं लगता है उस पर, गाड़ी धुलता है ना वो। ये खुला हुआ कंपनी इसलिए दी है क्योंकि आपका ये हवा जाए नीचे से, हवा नहीं जाएगा तो इंजन ठंडा कैसे होगा आपका? पैक वाला में क्या होता है ना, उसी का इंजन जल्दी सीज करता है। सब बड़े हमारा जेस्ट का भी ऐसे खुला हुआ है, उधर पीछे तरफ पैक है। ट्रैक्टर तो है, बड़ा है, छोटा कैसे है? नहीं आता है, इंजन गार्ड जिस गाड़ी में लगा होता है ना वो नहीं लगाना ही नहीं। देखिए ना, इंजन ठंडा कैसे होगा? फिर नीचे खाली है ना, खाली रहना चाहिए, हवा आएगा तब आपके इंजन को ठंडा करेगा। जब कादों में गिरेगा सारा कीचड़ इंजन नहीं लगता है उस पर, गाड़ी धुलता है ना वो। ये खुला हुआ कंपनी इसलिए दी है क्योंकि आपका ये हवा जाए नीचे से, हवा नहीं जाएगा तो इंजन ठंडा कैसे होगा आपका? पैक वाला में क्या होता है ना, उसी का इंजन जल्दी सीज करता है। सब बड़े हमारा जेस्ट का भी ऐसे खुला हुआ है, उधर पीछे तरफ पैक है। ट्रैक्टर तो है, बड़ा है, छोटा कैसे है? नेक्स्ट मॉडल में नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद रियर डफॉगर भी पीछे आपको आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं पार्सल थ्री, ये भी आपको मिल जाएगा उसमें। हाँ।